स्टूडेंट, मैं मुकेश सर, 11th के फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर्स हम लोग करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन से वी विल सी द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर से पहले स्टूडेंट्स हम लोग जो भी सेकंड थ्योरी के अंदर आपका जो बेसिक्स है वो कंप्लीट करेंगे एंड वी स्टार्ट द एक्चुअल क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स यहां पर दिया हुआ है कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस करने के लिए स्टूडेंट जो भी प्रोप्राइटर ओनर अपने घर से जो भी खुद का पैसा लाता है, किसी से मांग कर नहीं स्टूडेंट, अगर वो फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से, किसी से अगर मांग कर लेकर आता है, दैट इज नोन एज लोन। वो तो लोन हो जाएगा। खुद के पॉकेट का, खुद के ओनरशिप का, खुद का जो पैसा लेकर आता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। वो पैसा भी हो सकता है स्टूडेंट, गुड्स भी हो सकता है। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से जो भी उसके पास एसेट्स ज्यादा है वो सब उसके लिए क्या है स्टूडेंट? कैपिटल है। इसी को इक्वेशन फॉर्म में दिया है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। द कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट एज अ इंडिविजुअल व्यक्ति अलग है और बिजनेस अलग है। तो एज अ इंडिविजुअल व्यक्ति, एज अ प्रोप्राइटर, आपने बिजनेस को जो भी पैसे लाके दिए हैं, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज नहीं तो कल जब बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाए, जब बिजनेस के पास पैसे रहे, या फिर एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस ने वो पैसा ओनर को क्या करना चाहिए? देना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। एसेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट बिजनेस के लिए कोई भी ऐसी थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज जिसका ओनरशिप बिजनेस के पास है और जिसको बिजनेस कैश में क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है, वो एसेट्स है। लाइबिलिटी क्या है स्टूडेंट? ड्यू टू एनी रीजन बिजनेस लाइबल टू पे, बिजनेस को किसी को किसी रीजन से पेमेंट करना है, वो बिजनेस के लिए क्या है स्टूडेंट? लाइबिलिटी। तो आपको सिर्फ इतना यहां पर शॉर्टकट में समझना है कि कैपिटल का मतलब जो भी प्रोप्राइटर ओनर अपने घर से कैश या कोई चीज बिजनेस के लिए लेके आ रहा है, दैट इज नोन एज द कैपिटल। अब मैं स्टूडेंट इक्वेशन यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्वेशन क्या है। एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी ओवर एसेट्स इज अ कैपिटल। अब कुछ समय के लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई बिजनेस है और बिजनेस के पास अपना एक 5 लाख रुपीज का लैंड एंड बिल्डिंग है। बिजनेस के पास सपोज फर्नीचर 2 लाख रुपीज का है, एक एग्जांपल। कैश भी रखा हुआ है सपोज एक 1 लाख रुपीज का, और इस तरीके से बिजनेस सोच रहा है कि बिजनेस के पास 8 लाख रुपीज है। बिजनेस का प्रोप्राइटर सोच रहा है कि 8 लाख रुपीज है। बिजनेस का प्रोप्राइटर खुश हो रहा है, सी आई हैव द 8 लाख रुपीज, मैं 8 लाख रुपीज का मालिक हूं। तब तक प्रोप्राइटर को यह ध्यान में आता है कि अरे यार, इसी बिजनेस को करने के लिए मैंने बैंक से लोन भी लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल, बैंक से लोन लिया है, एंड दिस लोन इज 2 लाख रुपीज, ए लोन 2 लाख रुपीज है। मतलब अगर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को कैश में कन्वर्ट करता है तो इसका बिजनेस का कॉस्ट कीमत 8 लाख रुपीज होगा, लेकिन उस 8 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपीज किसको देना पड़ेगा? बैंक को देना पड़ेगा। मतलब जो ओनर है, जो अपने पैसे घर लेके जा सकता है, वो कितना लेके जा सकता है? 6 लाख ओनली। यही 6 लाख रुपीज क्या कहलाएगा स्टूडेंट? कैपिटल कहलाएगा। लाइबिलिटी से ये ज्यादा एसेट्स है उसके पास। तो यही इक्वेशन है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ड्रॉइंग एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलूं स्टूडेंट, तो आपको यह ध्यान में रखना है कैपिटल का एग्जैक्ट अपोजिट ड्रॉइंग है। कैपिटल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोप्राइटर अपने घर से कोई भी गुड्स या कोई भी चीज कैश बिजनेस के अंदर लेकर आ रहा है, कैपिटल। ड्रॉइंग का मतलब स्टूडेंट, ड्रॉइंग का मतलब बच्चों, प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस में से अपने घर लेके जा रहा है, बिजनेस से अपने घर लेके जा रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज नोन एज द ड्रॉइंग। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स एसेट्स विड्रॉ, माई डियर, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के लिए नहीं। अगर बिजनेस में से बिजनेस के लिए पैसे निकाले तो वो तो बिजनेस का एक्सपेंस कहलाएगा।
बिजनेस में से उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अदर देन बिजनेस के लिए पैसे विड्रॉ किए, वो ड्रॉइंग कहलाएगा। प्रोप्राइटर पे कॉलेज फीस ऑफ सन, उसने अपने बच्चे का फीस भरा और पे हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल एसेट्रा फ्रॉम द बिजनेस। उसने अपने मेडिकल के लिए पैसे खर्च किए, बच्चे का फीस भरा, मोबाइल का पेमेंट उसने किया एसेट्रा। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रॉइंग, ये सब पर्सनल यूज है, तो ये सब क्या होगा स्टूडेंट, ड्रॉइंग। इसी तरीके से स्टूडेंट्स डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। डेटर्स, अब डेटर्स का मतलब ही होता है अ पर्सन टू हुम बिजनेस सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमने एज अ बिजनेस किसी को क्रेडिट पर सेल्स किया, तो इन फ्यूचर हम लोगों को उससे पैसा मिलने वाला है। तो बिजनेस को अगर किसी से पैसा लेना है तो उसके लिए बनेगा डेटर्स। जैसे एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज टू पे टू बिजनेस। ध्यान रखो स्टूडेंट, यहां पे क्या लिखा है, कोई पर्सन किसको पे कर रहा है, टू पे टू बिजनेस, किसको पे कर रहा है, बिजनेस को पे कर रहा है। पर्सन बिजनेस को पे कर रहा है, मतलब बिजनेस के एंगल से सोचो तो बिजनेस को पैसा लेना है। फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस और क्रेडिट, उस बंदे ने बिजनेस से गुड्स और सर्विसेस क्रेडिट बेसिस पे लिया था, अब उसके बदले वो पेमेंट दे रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे डेटर्स। डेटर्स इज अ पर्सन हु ओ मनी टू द बिजनेस। डेटर्स मतलब वह आदमी जो बिजनेस को पैसा क्या करेगा, देगा। बिजनेस से एक तरह से उसने पैसे लेके रखा है, बोरोइंग करके रखा है, वो डेटर्स। क्रेडिटर्स का एग्जैक्ट उल्टा स्टूडेंट, अ पर्सन टू हुम बिजनेस पे, यहां पर क्या था, पर्सन किसको पे कर रहा था, पर्सन किसको पे कर रहा था, बिजनेस को। यहां पर पर्सन टू हुम बिजनेस पे, यहां पर पर्सन पे नहीं करेगा, यहां पर बिजनेस पे करेगा, किसको, पर्सन को, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस। अब आप सोचोगे बिजनेस क्यों पे करेगा, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, दुनिया का कोई भी बिजनेस सिर्फ सेल्स ही नहीं करता है, कोई भी बिजनेस जो गुड्स सेल करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको भी गुड्स अपना सेल करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ परचेज करना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको भी कहीं ना कहीं से कुछ सर्विस या किसी तरीके का हेल्प उनको लेना पड़ता है। तो अगर बिजनेस को किसी से पेमेंट लेना है गुड्स एंड सर्विस के बदले, तो वो डेटर्स। बिजनेस को पेमेंट करना है, बिजनेस ने किसी से गुड्स एंड सर्विस लिया है, अब उसको पेमेंट करना है, तो जिसको हम पेमेंट करेंगे वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर। तो अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट नोन एज क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओ। क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति जिससे बिजनेस ने बोरोइंग करके रखा है, बिजनेस ने पैसे लेके रखा है, बिजनेस को पेमेंट करना है, वो आपका क्रेडिटर। बैड डेब्ट्स, इरिकवरेबल अमाउंट। अब जैसे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि बिजनेस नंबर्स ऑफ लोगों को गुड्स देता है, सर्विस देता है, नंबर्स ऑफ लोगों को जो बिजनेस गुड्स एंड सर्विस देता है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पेमेंट कब मिलने वाला है, पेमेंट्स मिलने वाला है इन फ्यूचर। अब स्टूडेंट फ्यूचर किसी को भी मालूम नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा पेमेंट रिकवर करना था हमको डेटर से, बिजनेस 100% रिकवर नहीं कर पाता है ड्यू टू वेरियस रीजन। सामने वाले का डेथ हो गया, सामने वाला परमानेंटली मुंबई छोड़ के चला गया, सामने वाला यहां पर है बट 100% हमारा पैसा हमको रिटर्न्स नहीं किया ड्यू टू एनी रीजन। तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। डेटर से हम लोग रिकवर नहीं कर पाए इज नोन एज बैड डेब्ट्स, उसी को हम लोग बैड डेब्ट्स बोलेंगे। इट इज रेवेन्यू लॉस ऑफ बिजनेस, ये एक तरह से बिजनेस के लिए उसके इनकम का क्या है, लॉस है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इनकम, तो एक तरह से उसके इनकम का क्या है, लॉस है। आई होप ओके। चलो अब ये जो एक्सप्लेन टीचर्स पढ़ना है स्टूडेंट, ये इतना ज्यादा आपके लिए एट प्रेजेंट एज अ 11 स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कैपिटल एक्सप्लेन टीचर का मतलब होता है स्टूडेंट दोज एक्सप्लेन टीचर विच वी मेड फॉर नंबर्स ऑफ ईयर, जिसका बेनिफिट हमको कितना दिन मिलने वाला है, नंबर्स ऑफ ईयर के लिए मिलने वाला है। जो एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर होता है, जो हम बार बार नहीं करते हैं, कभी कभी हम करते हैं। अब एग्जांपल में बोलूं तो बोल सकता हूं कि एक्विजिशंस ऑफ प्रॉपर्टीज हो गया, कोई प्रॉपर्टीज हम लोग खरीद रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे अर्निंग कैपेसिटीज को बढ़ा रहा है, जो एक्सपेंडिचर करके हमको ईयर्स टू ईयर्स तक बेनिफिट्स मिलने वाला है, वो कैपिटल।
रेवेन्यू एक्सपेंड टीचर्स का मतलब होता है वह एक्सपेंड टीचर स्टूडेंट, जिस एक्सपेंड टीचर्स का बेनिफिट हम लोगों को फॉर द टाइम बींग के लिए मिलता है, मोस्टली मैं बोलूं लेस देन वन ईयर के लिए मिलता है। हम जब तक एक्सपेंड टीचर्स कर रहे होते हैं हमको उसका बेनिफिट्स मिलता है, हमने एक्सपेंड टीचर करना बंद कर दिया हमको बेनिफिट्स मिलना बंद हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट बार बार होने वाला, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो एक्सपेंड टीचर हम बार बार नहीं करते। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंड टीचर। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंड टीचर स्टूडेंट एग्जैक्ट रेवेन्यू की तरह तो है, लेकिन रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू में ये डिफरेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस दोज एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स हम लोगों को फॉर द टाइम बीइंग के लिए मिलता है, लेस देन वन ईयर के लिए मिलता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस दोज एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स हम लोगों को कैपिटल की तरह ईयर टू ईयर ना मिले बट मोर देन वन ईयर के लिए मिलता है, वो हमको बेनिफिट्स मोर देन वन ईयर के लिए होता है, उसको हम लोग बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। An expenditure which is basically revenue in nature, but benefits of which is not executed within one year. जिस benefit, जिस expenditure का फायदा one year के अंदर ही खत्म नहीं हो जाता है, उसको हम लोग deferred revenue expenditure बोलेंगे। जैसे heavy expenditure on advertisements हो गया, legal expense हो गया, etc. All these are the deferred revenue expenditure. तो ये ज़्यादा student important नहीं था। ये भी देखो, ये भी आपके लिए एज अ नॉलेज पढ़ना है, बट ये सारी चीजें शॉर्ट नोट में लिखने के लिए जल्दी नहीं आती हैं, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर इसको एक बार एज अ नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, और जो आपको लिखने के लिए आएगा मैंने आपको बताया कि उसको आपको ध्यान रखना है, उसको थोड़ा सा आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो आपके फर्स्ट टेस्ट में कॉलेजेस में वो लोग एज अ शॉर्ट नोट क्या करते हैं, पूछते हैं। अब यहाँ पर है स्टूडेंट डिस्काउंट। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में देखो, एक कैश डिस्काउंट है और एक ट्रेड डिस्काउंट है। स्टूडेंट जो नाम लिखा है ना उसी में उसका एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे लिखा है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड का मतलब ही क्या होता है, तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, व्यापार। जहां कहीं पर भी स्टूडेंट कोई ट्रांजेक्शंस लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है और ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी हम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं, या सामने वाला हमको डिस्काउंट दे रहा है Due to large quantity purchase, that is known as trade discount. यहां transaction cash भी हो सकता है, credit भी हो सकता है, लेकिन यहां discount क्यों मिल रहा है या क्यों हम दे रहे हैं, because transactions are on quantity, quantity में transactions हो रहा है, इसके लिए सामने वाला आदमी आपको discount दे रहा है। सामने वाला आदमी देख रहा है कि यार यार मैं थोड़ा थोड़ा करके जो मैं मंथ में बेचूंगा, ये आदमी तो मेरे को ऑन द स्पॉट आज का आज उतना खरीदने के लिए रेडी है, तो सामने वाला आदमी उसको थोड़ा सा क्या देता है, डिस्काउंट देता है। इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल्स। परचेज एंड सेल्स के टाइम में हम लोग ये डिस्काउंट देते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज सोल्ड रिकॉर्डेड नेट वैल्यू पेबल। ट्रेड डिस्काउंट में स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका ग्रॉस अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलता है दैट अमाउंट वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट आपको वो अमाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब एग्जाम्पल जैसे इसने बताया कि गुड्स ऑफ रुपीज 1000 सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, वैल्यू ऑफ गुड्स बी रिकॉर्डेड 950। जैसे हम लोगों ने 1000 रुपीस का गुड्स क्या किया, सोल्ड किया, सामने वाले आदमी ने हमको 5% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। 1000 के ऊपर 5% कितना स्टूडेंट, 50 रुपीस। तो 1000 माइनस 50। अब जब हम बुक्स में अपने रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, तो विल नॉट रिकॉर्ड द 1000 रुपीस, हम कितना रिकॉर्ड करेंगे, 950 ओनली, हम 950 रिकॉर्ड करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट। ए कैश, जो नाम लिखा है उसी में उसका एक्सप्लेनेशन है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर इमीडिएट हम पेमेंट करते हैं या हमको कोई पेमेंट देता है, तो फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि सामने वाला आदमी हमको तुरंत पेमेंट कर सके, इसके लिए इनकरेज करने के लिए वी गिव द कैश डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट वी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट से हमको भी बेनिफिट्स होता है, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट्स होता है, जो पेमेंट्स हमको 1 month के बाद 2 month के बाद मिलने वाला है, थोड़ा सा डिस्काउंट देने से वो पेमेंट अगर हमको इमीडिएट मिलता है तो उस पैसे का हम बिजनेस में यूज कर सकते हैं, उस पैसे को बिजनेस में और ज्यादा सर्कुलेट कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, एसेट्रा।
तो यहां पर सामने वाला व्यक्ति आपको इमीडिएट पेमेंट करता है या आप किसी को इमीडिएट कैश पेमेंट करते हो तो जो आपको डिस्काउंट मिलता है या आप किसी को डिस्काउंट देते हो कैश पेमेंट के कारण, इसी को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। इट इज द कंसेशन गिवन फॉर इनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। यहां पर हम सामने वाले को इनकरेज कर रहे हैं किसके लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर द पेमेंट विद इन स्पेसिफिक पीरियड, कि एक निश्चित समय के अंदर आपको सामने वाला आदमी पेमेंट करे या आप पेमेंट करो। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड और कैश दोनों दिया हुआ है तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद से कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट होगा स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट। आई होप स्टूडेंट फास्ट नहीं हो रहा होगा, एवरीवन अंडरस्टूड ना। चलो अब इसको स्टूडेंट थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो, ये शॉर्ट नोट में आने का चांस रहता है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सॉल्वेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेट। किसी पर्सन के पास इतना एसेट्स है, इतनी प्रॉपर्टी है कि वो लाइबिलिटी के इक्वल है या मोर देन लाइबिलिटी है, दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने किसी से 10 लाख रुपीज का कर्ज लेके रखा है एंड दैट पर्सन हैव द प्रॉपर्टी 10 लाख का, उसके पास एटलीस्ट प्रॉपर्टी है या 10 लाख से ज्यादा है, मतलब अगर वो अपना प्रॉपर्टी को सेल करता है तो सामने वाले का पेमेंट दे सकता है, दैट पर्सन इज नोन एज द सॉल्वेंट पर्सन। If the person assets more than liability, उसके पास assets कितना है, liability से ज्यादा, liability उसका 5 lakhs है, property उसके पास more than 5 lakhs और at least equal है, called solvent person. Solvent person is financially sound and is a position to pay his debt. वो financially sound होता है और इस position में होता है कि वो सामने वाले का debt क्या कर सके, दे सके। एग्जाम्पल है पर्सन टोटल एसेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड 50 lakhs। सपोज किसी बंदे का हम लोगों ने एसेट्स कैलकुलेट किया एंड वी कम टू नो कि दैट एसेट्स इज 50 lakh एंड हिज टोटल डेब्ट, हम लोगों ने उसका लाइबिलिटी भी चेक किया और हमने देखा अरे यार उसका लाइबिलिटी कितना है 30, मतलब अगर वो अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करता है तो ही इज एबल टू पे हिज डेब्ट, उसके पास डेब्ट से ज्यादा एसेट्स है, सॉल्वेंट। एग्जैक्ट इसका अपोजिट होता है इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब दैट पर्सन एबल टू पे हिज डेब्ट, दैट पर्सन हैव द एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी और मोर देन लाइबिलिटी। इनसॉल्वेंट के लिए उल्टा, इनसॉल्वेंट मींस अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट, उसके पास जो लाइबिलिटी है वो एसेट से ज्यादा है, एसेट से ज्यादा है। He is not able to pay his liability after selling all his assets. सारा assets बेच के भी अपनी liability को pay नहीं कर सकता है। Insolvent, a person whose liability are more than assets. Liability क्या है? Assets से ज़्यादा। वो insolvent है। A person total property, total assets and property calculated 20 lakhs and his total debt 50 lakhs. जो ऊपर हमने पढ़ा उसका उल्टा। एसेट्स कितना है 20 और लाइबिलिटी कितनी है 50, दिस पर्सन नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट, ये हो जाएगा इनसॉल्वेंट। अकाउंटिंग ईयर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है स्टूडेंट की अकाउंटिंग ईयर, इट इज पीरियड फॉर 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। जब कभी भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं या जो भी अकाउंट्स कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट, अकाउंट्स 12 मंथ के लिए होता है। उसमें कुछ लोग अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। अब आज के डेट में देखोगे स्टूडेंट तो सब जगह फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होता है। जो स्टार्ट कब से होता है स्टूडेंट फाइनेंशियल, 1 अप्रैल। जैसे अगर इस समय की बात करूं तो 1 अप्रैल 2021 और एंड होगा 31 मार्च 2022। तो मोस्टली आप अकाउंट देखोगे 1 ईयर का, अकाउंट्स कभी भी लेस देन 1 ईयर के लिए नहीं बनेगा। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च क्या होगा, खत्म। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन ट्रेडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, अर्निंग द प्रॉफिट, जहां पर आपका इंटेंशन उस एक्टिविटीज को करके प्रॉफिट करना इंटेंशन है, वो आपका ट्रेडिंग कंसर्न हो गया।
जिस किसी एक्टिविटीज के अंदर प्रॉफिट करना, प्रॉफिट कमाना आपका इंटेंशन नहीं है, दोज एक्टिविटीज फॉर द सर्विस ओनली, वो एक तरह से समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप कर रहे हो, आपका इंटेंशन प्रॉफिट करना नहीं है, वो क्या हो जाएगा, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब देखोगे जैसे बहुत सारे एनजीओ हो गए, उनका इंटेंशन प्रॉफिट करना नहीं होता, उनका इंटेंशन होता है उस तरीके के लोग जिनको समाज ने, सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, छोड़ दिया है, या जो प्रॉब्लम्स में है उन लोगों को क्या करना, हेल्प करना। जितने बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारे लोगों का इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना, तो किसमें आ गया, ट्रेडिंग कंसर्न में। गुडविल, गुडविल के लिए स्टूडेंट्स आप ध्यान में रख सकते हो, गुडविल में बी डिस्क्राइब एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ द बिजनेस विच कंट्रीब्यूट टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गुडविल एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट, तो गुडविल होता है रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का अच्छा नाम, कंपनी का अच्छा इमेज, और ये अच्छा नाम, अच्छा इमेज कहीं ना कहीं आपके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे यहां पर एक वर्ड्स आपने देखा कि ये इनटेंजिबल एसेट्स में आता है, इनटेंजिबल और टेंजिबल आगे और ज्यादा पढ़ोगे, टेंजिबल का मतलब होता है स्टूडेंट ऑल दोज एसेट्स विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन मेजर, जिसको आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सब टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होता है स्टूडेंट, जिस एसेट्स को आप देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट वी कैन कन्वर्ट इन कैश, वो है इनटेंजिबल। टीवाई बीकॉम तक पढ़ोगे स्टूडेंट, दो ही तीन आपको इनटेंजिबल एसेट्स मिलेगा, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। अब गुडविल मैंने बताया अच्छा नाम, अच्छा इमेज, अब इमेज दिखता नहीं है कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, वो सॉफ्ट है कि वो स्ट्रिक, ऐसा दिखता नहीं है, बट उस गुडविल को, उस अच्छे नाम को हम कैश कर सकते हैं, और उस अच्छे नाम के बेसिस पे वी कैन एक्सपांड आवर बिजनेस, वी कैन एक्सपांड आवर सेल्स, वी अर्न द मोर प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल, अब स्टूडेंट हम एक अच्छा से अच्छा फ्रिज बना दे, एक अच्छा से अच्छा सोप बना दे, और हम मार्केट में बेचने के लिए निकले, जल्दी हमारा फ्रिज और जल्दी हमारा सोप और जल्दी वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, बिकॉज वी आर न्यू इन द मार्केट। बट सपोज स्टूडेंट गोदरेज वाला हमारे पहचान का है, किसी तरीके से एक लिंक लगा, हम गोदरेज वाले के ओनर के पास गए और गोदरेज के ओनर से बोला, सर देखो ना मैंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया, आप क्वालिटी चेक कर लो, सिर्फ आप मुझे अपना नाम यूज करने को दे दो, क्योंकि विदाउट हिज परमिशन उसके नाम को हम यूज नहीं कर सकते। उसने बोला चलो ठीक है जाओ, आप मेरे को सो एंड सो पेमेंट करो एंड यू कैन यूज माई नेम। अब एक हम लोगों ने उसका नाम यूज कर दिया, एक छोटा सा ऐड दिया, आप देखोगे नेक्स्ट डे से उस प्रोडक्ट का सेल्स मार्केट में स्टूडेंट काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट वही था, प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, नाम को हमने चेंज कर दिया, हमने ऐसे एक नाम को लिखा जो पब्लिक के लिए अवेयर है, जो पब्लिक नोन है, उसका ऑल ओवर कंट्रीज के अंदर काफी अच्छा मार्केट में क्या है, इमेज है, तो उसी को बोलते हैं गुडविल। अब ये स्टूडेंट फिर से देखोगे आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट के लिए यूज हो सकता है, प्रॉफिट काफी इजी है। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन कॉस्ट, कॉस्ट से जो भी ज्यादा आप चार्ज करके बेचोगे वही आपका होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जितना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जितना आपका प्रॉफिट होगा, वो ओनर का ही तो प्रॉफिट है ना, वो ओनर के कैपिटल में उतना पैसा क्या होता जाएगा, एड होता जाएगा। अब जैसे एग्जांपल बताया, गुड्स सोल्ड 50,000, हमने कोई गुड्स बनाया, सोल्ड किया 50,000 में। स्टूडेंट कुछ भी बनाकर सोल्ड करने के लिए पहले आपको परचेज करना पड़ेगा, आपको उसमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा, मटेरियल्स लाओगे, लेबर के ऊपर खर्च करोगे, डे टू डे एक्सपेंसेस जिसको मैं ओवरहेड बोलूं उस पे, मतलब कोई भी गुड्स बनाकर बेचने के लिए पहला खर्चा करना पड़ेगा। ये पेन अगर मैं आज बेचता हूं तो पहला इस पेन को बनाने में खर्चा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको बेचता हूं 50,000 में और मैंने उसमें 30,000 रुपीज खर्चा किया है, तो स्टूडेंट क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, मतलब 50 में से 30 में माइनस किया तो 20,000 क्या हो गया हमारा स्टूडेंट, प्रॉफिट। ये ओके, चलो लॉस। एग्जैक्ट उल्टा, When cost price of goods is more than selling price, profit में क्या था, selling price ज्यादा था, यहां पर क्या है, cost ज्यादा है।
मतलब गुड्स को मैंने सोल्ड किया 50,000 में, लेकिन उसके ऊपर खर्चा किया मैंने 60,000. सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस. सेल्स मैंने किया स्टूडेंट 50 में, लेकिन इसको बनाने में खर्चा किया 60, हमको हो गया 10,000 रुपीज का नुकसान, यही हमारा हो गया लॉस. इनकम, इट इज रेवेन्यू अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. ये रेवेन्यू इनकम जो भी आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण रिटर्न मिल रहा है, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन एक्सेट्रा. आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कहीं से एज अ इंटरेस्ट एज अ डिविडेंड एज अ कमीशन कहीं से रिटर्न मिल रहा है स्टूडेंट, ये सब आपके लिए इनकम है. रेवेन्यू, इट इज इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम हिज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज. ये पैसा हम लोग कहां से कमा रहे हैं, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज से, यूजुअली फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ये हमारे लिए क्या होगा, रेवेन्यू. मतलब रेवेन्यू में क्या हो रहा है, वी अर्न फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसको सेल करके पैसा मिला. इनकम के अंदर क्या हो रहा है, इट इज अ रेवेन्यू अराइज एज अ रिजल्ट फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग फ्रॉम. अभी जैसे कोई आप सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, वहां से जो पैसे कमा रहे हो, जैसे आपने किसी के लिए कुछ काम, आपके पास एक्सेस फंड है, आपने कहीं पे रख दिया उसको, बैंक में रखा, किसी को दिया, आपको इंटरेस्ट मिला, आपके लिए इनकम हो गया, आपको डिविडेंड मिला, कहीं पे शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट किया, डिविडेंड मिला, आपके लिए इनकम, कमीशन मिला आपके लिए, मतलब सर्विस के अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा है स्टूडेंट, वो आपका इनकम हो गया. जो आप बिजनेस कर रहे हो, जिस बिजनेस को आपने चालू किया, जो गुड्स बना रहे हो, उस गुड्स को बेच करके जो पैसे कमाओगे मेरा बच्चा, वो आपके लिए होगा रेवेन्यू. ये ओके? तो ये एज अ थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये एज अ स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रहना चाहिए. इसमें से जो चीजें मैंने बताया कि एज अ शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, और मैंने टाइम टू टाइम बताया भी कि इसको आपने याद करना है थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लोग शॉर्ट नोट पूछे. अब एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टूडेंट, अब एसेट्स का मतलब कोई भी फिजिकल थिंग जो बिजनेस का है और बिजनेस जिसको कैश में कन्वर्ट करे कर सकता है. एनी फिजिकल थिंग्स और राइट्स ओन्ड बाय द मॉनेटरी वैल्यू, जिसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, कॉल्ड एज एसेट्स. द ओनरशिप ऑफ एसेट्स मस्ट बी विद द बिजनेस. ओनरशिप किसके पास है, बिजनेस के पास है, उसका ओनर कौन है, बिजनेस है. अब टाइप्स ऑफ एसेट्स में स्टूडेंट, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिकीसियस है. अब मैं ओरली आपको बता दूं, फिक्स एसेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट जिसको आप इमीडिएट कैश में कन्वर्ट जल्दी नहीं कर सकते. द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, आर नोन एज फिक्स एसेट्स. करंट, द एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश वेरी इजिली, जिसको हम इमीडिएट कैश के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करंट ईयर के लिए हमारे पास है, वो हमारा करंट एसेट्स. एंड फिकीसियस क्या होता है स्टूडेंट, दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट कन्वर्ट इन टू कैश. फिकीसियस का एक तरह से मतलब ही होता है फॉल्स, झूठा, वो एसेट्स है बट उसको कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है. द एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजिशन और प्रॉपर्टी, देयर आर इमेजिन, सिर्फ वो इमेज कर सकते हो आप, इमेजिनरी होता है एसेट्स, बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल. रियलाइज का मतलब होता है सेल्स, जिसका कोई सेल्स वैल्यू नहीं है. लाइबिलिटी स्टूडेंट, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर नोन एज लाइबिलिटी. किसी भी रीजन से अगर बिजनेस किसी को पेमेंट करने वाला है तो लाइबिलिटी है. इट इज द डेप्थ और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस एंड अदर फॉर द बेनिफिट्स रिसीव बाय द बिजनेस यूनिट्स. लोन जैसे हमने लिया है, क्रेडिटर्स है, बैंक और ड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब ऑल दीज आर द रीजन, हमको इनको किसी न किसी रीजन से पैसा देना है, ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, लाइबिलिटी. ए ओके, तो एटलीस्ट दिस चैप्टर में मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स आप इसको बार बार सुनो, आप बुक्स का भी हेल्प लो और आप इसको पढ़ो. इससे ज्यादा आपको
इस चैप्टर में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होता है, कुछ और एक्स्ट्रा अगर होता है, तो मैं आपको इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको मैं फिर से उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। अभी आप वेट कर सकते हो सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके बाद से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा और आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट।